बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी जो इन दिनों बिग बॉस OTT 3 में नजर आ रहे हैं, उन्होंने हाल ही में पूजा भट्ट के साथ अपने ब्रेकअप की खबरों पर बात की है। रणवीर और पूजा की कहानी बॉलीवुड की चर्चित लव स्टोरी में से एक थी। आइए आपको बताते हैं कैसा था दोनों का रिश्ता। रणवीर शौरी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट की प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता। दोनों ने जिस तरह से परिवार से लड़ाई कर साथ रहने का फैसला किया था, इसने हर जगह आग लगा दी थी। इतनी बगावत के बाद भी दोनों का रिश्ता चंद दिन ही टिक पाया। रणवीर शौरी बॉलीवुड के मंजे हुए कलाकार है। उन्होंने बेहद कम फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन जितने भी फिल्मों में काम किया सब फैंस को खूब पसंद आती है। रणवीर और पूजा ने एक साथ जिस्म मूवी में काम किया था। इस फिल्म से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया। पूजा और रणवीर के इसके चर्चे बॉलीवुड में तेज होने लगे थे। पूजा भट्ट के परिवार वाले रणवीर के इस रिश्ते के खिलाफ थे। पूजा रणवीर के लिए इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने घर वालों की एक भी नहीं सुनी। पंजाबी मुंडा रणवीर और मुंबई की हीरोइन पूजा एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। साल 2000 की शुरुआत में दोनों साथ में शिफ्ट हो गए थे। दोनों साथ में रहने लगे। इसके बाद खबर आई कि पूजा ने ब्रेकअप कर लिया और दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के कुछ समय बाद पूजा ने रिश्ते को तोड़ने की वजह भी बताई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पूजा भट्ट ने रणवीर पर आरोप लगाया कि वह नशे में उनके साथ मारपीट करते थे। रणवीर पूजा को मारते थे, जिससे परेशान होकर वह अलग हो गई। पूजा के बयान के बाद रणवीर ने कहा कि पूजा को नशे की लत लग गई थी। पूजा भी उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी और हाथ तक उठाती थी। हालांकि अब बिग बॉस में रणवीर ने बताया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे कपल की तरह वह भी नॉर्मल लड़ाई थी।